Hello everyone, I'm Dr. Tarika Sharma and I welcome all of you on my channel Psychology by Tarika. I hope you are all fine and safe at home. We have started with the topic Schools of Psychology, in which we have already discussed about three important schools that is, structuralism, functionalism, and gestalt. In our today's video, we are talking about another influential school that is, behaviorism but before i proceed there is a reminder that if you haven't seen our earlier videos do watch them because then only you will be having a better understanding of the basics of psychology and the history of psychology as well as the present video and the upcoming videos on the same topic and yes the link of those videos have been mentioned in the description you can have access to those videos and as i always say without any further delay let's learn together लेट्स टॉक अबाउट बिहेवियरिज्म इन डिटेल सबसे पहले पता करते हैं कि बिहेवियरिज्म के फाउंडर कौन है एज यू कैन सी दट आई हैव मैं जॉन वॉटसन इज कंसिडर्ड एज दाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म एंड ही इज ऑल्सो नोन एज दर ऑफ बिहेवियरिज्म आर्टिकल इन दयर नाइनटीन थर्टीन दैट इज साइकाली इज द बिहेवियर ब्यूज इट एंड दिस इज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म नाउ कैन यू नोटिस दट आई हैव रिटन इज नोन एज फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी और द फर्स्ट वेव आई एम श्योर ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि बिहेवियरिज्म में ऐसा क्या स्पेशल हुआ कि इसे फर्स्ट फोर्स कहा जाने लगा अब तक तो अब तीनों स्कूल्स में ऐसी कोई बात नहीं हुई और इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि जो बिहेवियरिस्ट थे उन्होंने साइकोलॉजी के प्रीवियस स्कूल्स को टोटली totally कॉन्ट्राडिक्ट किया वो बिल्कुल फेवर में नहीं थे कि साइकोलॉजी जो है उसको माइंड का स्ट्रक्चर या माइंड का फंक्शन स्टडी करना चाहिए उसके लिए उन्होंने ये फैक्ट दिया कि माइंड का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस जो है वो पॉसिबल नहीं है क्यों क्योंकि माइंड जो है वो सब्जेक्टिव होता है नेचर में और स्ट्रक्चर डिस ने जो इंट्रोस्पेक्शन मैथड दिया था कि जिससे हम माइंड के बारे में जान सकते हैं या माइंड को स्टडी कर सकते हैं उन्होंने उस मैथड को भी टोटली totally डिस्कार्ड कर दिया और ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंट्रोस्पेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज ए रिलायबल मैथड एनी मोर बिकॉज इट डज़ नॉट गिव एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द माइंड ऑफ अ पर्सन तो माइंड की स्टडी तो नहीं करनी ये तो प्रूव हो गया तो बिहेेवियर्स ने क्या कहा साइकोलॉजी को क्या स्टडी करना चाहिए और बिहेवियर्स ने बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव रखा उन्होंने एक ऐसी चीज़ बताई जहाँ से साइकोलॉजी के स्टडी एरिया में एक मेजर रेवोल्यूशन आया पूरा का पूरा फील्ड जो था वो माइंड से डिविएट होकर कहाँ फोकस हो गया चलिए पता करते हैं उन्होंने कहा कि व्हाट साइकोलॉजी इज साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर यस तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि आज जो हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ते हैं दैट साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वो कहां से आई है वो बिहेवियरिज्म से आई है उन्होंने क्यों कहा कि बिहेवियर की स्टडी करो दे सेट दैट साइकोलॉजी शुड फोकस ऑन समथिंग दैट कैन बी डायरेक्टली सीन और ऑब्जर्व वो चीज़ जिसको हम डायरेक्टली देख सकते हैं वो चीज़ जो हमारे ऑब्जर्वेशन में डायरेक्टली आ सकती है साइकोलॉजी तो को उसी की स्टडी करनी चाहिए रैदर देन उन चीज़ों पे फोकस करने के जो हिडन होती है जो डायरेक्टली रिवील नहीं होती एंड दैट्स व्हाई दे सेड दैट इट शुड स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एंड इन अ साइंटिफिक वे now there comes a very important thing that i like to add here that he was very much influenced by the work of ivan p pavlov and ivan p pavlov was a russian physiologist he was not even a psychologist he was studying the digestive system of a dog for his research but by chance he found some different phenomena and he found it very interesting or unhoneus phenomenon konamdia conditioning और पैवलव ने लर्निंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग दिस थ्योरी इज क्वाइट लेंदी इन डिटेल एंड वी विल कवर दिस टॉपिक इन आर लेटर वीडियोज बट अभी हम फोकस करते हैं कि कंडीशनिंग क्या होता है तो एज यू कैन सी दैट आई हैव रिटन दैट कंडीशनिंग इज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स यानी कि एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का एसोसिएशन क्या कहलाता है कंडीशनिंग एक एग्जाम्पल से समझते हैं सपोज कीजिए मेरे सामने पिज्जा रख दिया जाए एंड आई फाइंड इट वेरी टेम्प्टिंग उसका अरोमा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई स्टार्ट सेलिवेटिंग वो कहते हैं ना अपनी पसंद की चीज़ को देख के मुंह में पानी आ जाना तो वो पिज़्ज़ा जो था वो एक स्टिमुलस है और उस पर आपने जो रिस्पॉन्स दिया यू सेलिवेटेड इट दैट इज़ योर रिस्पॉन्स और ये जो एसोसिएशन है इसको उन्होंने क्या नाम दिया कंडीशनिंग एज यू कैन सी देट आई हैव रिटर्न कंडीशनिंग इज द एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू now if you remember i told you in the first lecture video that relation between stimulus and response is behavior yes so this stimulus response relationship leads to behavior and watson considered that behavior should be the perspective of behaviorism and that's what psychology study or the revolution shuru hua, it gained worldwide recognition and that's why it is known as the first force of psychology चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बिहेवियरिज्म का बेसिक अजम्पन क्या था बिहेवियरिस्ट ये कहते थे दैट बिहेवियर इज लर्नड थ्रू एनवायरमेंट एंड दे एक्सक्लूडेड द रोल ऑफ इनहेरिटेड फैक्टर्स बेसिकली बिहेवियस्ट ने ये कहा कि हम बिहेवियर को सीख सकते हैं और उन्होंने कहा कि हमारे बिहेवियर में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो हमारे एनवायरमेंट का होता है जिसमें हम ग्रो होते हैं वॉट्स एंड सेट दैट वेन वी आर बॉर्न आर माइंड इज स्टेबलर आसा सेबुलर आसा मीन्स ब्लैक स्लेट वाटसन ये कहना चाहते थे कि जब एक बच्चे का बर्थ होता है तो उसका माइंड जो है वो एक ब्लैक स्लेट की जैसा होता है उस पर कुछ भी लिखा नहीं होता इट्स लाइक अ मेटाफॉरिकल टर्म जिसका कहने का मतलब ये है कि चाइल्ड अपने हेरिडिटी से कुछ भी एक्वायर नहीं करता है तो यानी कि उसका माइंड एक खाली स्लेट जैसा है तो एनवायरमेंट के इम्पैक्ट के साथ एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंस से सिवियर रिजेक्टेड द मैथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन दे वर स्ट्रिक्टली इन द फेवर दैट साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी और साइंटिफिक स्टडी का मतलब ये है कि वहां पर हम कुछ स्टडीज परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट्स की फॉर्म में कि हम हमारे रिजल्ट को वेरीफाई कर सकें तो बेसिकली दे हैव टॉक्ड अबाउट एक्सपेरिमेंटल मैथड एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन दैट दीज शुड बी द मैथड टू स्टडी अ ह्यूमन बिहेवियर अगर हम कंक्लूड करें

consider mental events in the analysis of a behavior of a person. लेट्स टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ बिहेवरिजम इन प्रेजेंट टाइम बिहेवरिज्म स्टिलड एज ऑफ द मेजर पर्सपेक्ट ऑफ साइकलॉजी इसके आइडियोलॉजी को आज भी एक्सेप्ट किया जाता है इसीलिए साइकोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर आज भी कहते हैं बिहेवरिज्म प्लेड एन इमार्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर थेरेपीज और बिहेवियर थेरेपी फोकस करती है कि अगर किसी पर्सन के अंदर एक माल अडेप्टिव या अनडिजायरेबल बिहेवियर है तो हम उस माल अडेप्टिवेवियर को अनलर्न करा सकते हैं और उसे किसी डिजायरेबल या अडेप्टिवेवियर में कन्वर्ट कर सकते हैं